हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। आपका स्वागत है इजी होम रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे बिल्कुल होटल जैसा लाजवाब सिल्की स्मूथ बटर चिकन घर में बहुत आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। बटर चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है 800 ग्राम चिकन, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोन के साथ चिकन का पीस है, तो आप विदाउट बोन भी ले सकते हैं। और चिकन अगर बड़ा होना तो बीच से नाइफ से कट लगा ले, ऐसे बहुत ही अच्छे से मसाले अंदर तक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास मीडियम साइज का चिकन पीस है। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 छोटी चम्मच नमक। सारे सामग्री को हम अपने हाथों से ही मिलाएंगे। चिकन में अच्छे से नींबू का रस और लहसुन अदरक कोट होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन है और इस मैरिनेशन में हम चिकन को 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। ऐसा करने से चिकन से जो भी स्मेल अगर आती है तो वो भी निकल जाती है और नमक अंदर तक चिकन में चला जाता। हमने मिला लिया और इसे हम 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रखते हैं। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल कोई भी ऑयल ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है और इससे हमारा बटर चिकन में बहुत ही बढ़िया रंग आएगा। अगर हम ऑयल में इस तरीके से रेड चिली को मिलाते हैं तो चिकन में बड़ा प्यारा सा रंग आता है, आप भी ऐसा करें। हमने फर्स्ट मैरिनेशन में नमक डाला है तो सेकंड मैरिनेशन में हम डालेंगे बहुत ही हल्का नमक। मैं यहाँ 1/4 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। साथ ही में डाल दें 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच योगर्ट यानी हैंकर्ड। घर की दही है, छन्नी पे मैंने रख दिया था तो एक्स्ट्रा पानी निकल गया, तो ये हमारा थिक कर्ड बन गया। सभी को हम मिला लेंगे। हमने मिक्स कर लिया है और कितना बढ़िया दिख रहा है। ये हमारा 10 मिनट भी हो चुका है और अब हम हाथों से दाबते हुए चिकन के पीसेस को सेकंड मैरिनेशन में डालेंगे। देखिए कितना रस निकल रहा है। तो ये पानी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हम चिकन को फ्राई करेंगे टिक्का के जैसे। देखिए चिकन का ये खुद का जूस है, इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना। और अब हम अपने हाथों से चिकन में सारे मसाले को कोट करेंगे। हमने बहुत अच्छे से चिकन को कोट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना ड्राई है हमारा चिकन। अब हम 1/2 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में चिकन को रखेंगे ताकि चिकन का पानी और भी सूख जाए, तब हमारा टिक्का बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आप माइक्रोवेव, एयर फ्रायर या ओवन में इसे बेक करना चाहते हैं तो मात्र 12 मिनट के लिए इसे रख दें, बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। तो मैं इसे डीप फ्रीजर में रखने जा रही हूँ, 1/2 घंटे के बाद दिखाती हूँ। जब तक हमारा चिकन फ्रीज में है, यहाँ पे हम उसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें डालें 1 छोटी चम्मच ऑयल, फ्लेम को बिल्कुल कम रखें। साथ ही में डाल दें 1 टेबल स्पून बटर, मिला लें। डायरेक्ट बटर चिकन में अगर बटर डाल दीजिएगा तो पूरा बटर जल जाएगा, इसलिए जब भी हम बटर कोई रेसिपी में डालते हैं तो तेल को मिक्स करके ही डालते हैं। बटर के मेल्ट होने से पहले हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और कुछ साबुत खड़े गरम मसाले, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 मोटी इलायची। इलायची को देखिए मैंने इस तरीके से खोल दिया है ताकि सारा फ्लेवर हमारा ग्रेवी में आ पाए। मैं यहाँ गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और चिकन यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए 5 लवंग यानी लौंग, 4 हरी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का, 2 तेजपात। सभी को हम मिला लेंगे ताकि गरम मसाला का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आए। आप देख सकते हैं हल्का सा जीरा का कलर चेंज हो गया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। अब डाल दें 10 से 12 यानी 1 मुट्ठी काजू। काजू हम बटर चिकन में इसकी क्रीमी ग्रेवी के लिए डालते हैं। जैसे वेज रेसिपी में बहुत खास माना जाता है शाही पनीर को, वैसे ही नॉन वेज रेसिपी में बटर चिकन की भी अलग बात है, उसे भी इसी तरीके से सिल्क
ग्रेवी के साथ बनाया जाता है। 30 सेकेंड हमने काजू को रोस्ट कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज। प्याज को आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही रफली काटा है, बटर चिकन में बहुत ज़्यादा प्याज नहीं पड़ता है, बस इसे मिला ले। साथ ही मैं डालते 10 से 12 लहसुन जिसे मैंने छील लिया है, 2 इंच अदरक, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला, उसमें बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, तो यहाँ मैं सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारा बटर चिकन में बहुत बढ़िया कलर आए। मिक्स कर ले और अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम कटे हुए टमाटर, मिला ले। आधा छोटी चम्मच नमक, फर्स्ट मैरिनेशन में, सेकंड मैरिनेशन भी हमने नमक डाला था तो नमक आप हल्का ही डालें, हमें इसे बिल्कुल भी भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 ग्लास पानी, फ्लेम को बढ़ा दे और इसमें उबाल आने दे। पानी में हमारा उबाल आ चुका है, अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे लिड से कवर करके और बीच बीच में चलाते रहेंगे 10 मिनट तक पका लेते हैं। आधे घंटे के बाद मैंने फ्रिज से चिकन को निकाल लिया है और यहाँ पे एक बड़ा सा पैन चढ़ाया है और अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके चिकन। तो पैन काफ़ी बड़ा है, मैं एक ही बार सारा चिकन डाल रही हूँ, सारे मसाले को इस तरीके से निकाल लें। अब हम चिकन को हाई फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, हमें चिकन को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, यानी लो फ्लेम अगर आप कीजिएगा तो चिकन अपना जूस छोड़ देगा, तो चिकन ठीक से रोस्ट नहीं हो पाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा। अब हम चिकन को इस तरीके से उलट लेते हैं, बीच बीच में चिकन इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्लेम हमारा हाई रहेगा। 3 से 4 बार मैंने चलाते हुए चिकन को उलट पलट लिया है, फ्लेम को बंद कर दीजिए और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से हमारा चिकन रोस्ट हुआ है, इससे ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। तो आप इसका कलर देख सकते हैं, तो आप चाहे तो ऐसे भी रोस्टेड चिकन इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। 10 मिनट हमारा हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारा प्याज टमाटर बहुत अच्छे से गल चुका है, काजू भी फूल चुके हैं, इसे पीसने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और जो भी अरोमा था ना दोस्तों वो आ चुका है। तो ये तेज पत्ते और ये मोटी इलायची और दालचीनी ये सबको मैं निकाल दूंगी क्योंकि इसके साथ पीसने से हमारा ग्रेवी का कलर चेंज हो जाएगा, निकाल के पीसे और ये जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम मिक्सी में डाल के इसे पीस के प्यूरी बना लेंगे। प्याज टमाटर का पेस्ट हमने पीस लिया है और सिल्की स्मूथ ग्रेवी बने उसके लिए मैंने फिर से पतीले को साफ कर लिया है और अब हम इसमें स्ट्रेनर लगा करके छान लेते हैं ताकि जो भी थोड़ा मोड़ा मसाला है वो मुंह में ना आए, निकल जाए। तो बटर चिकन को हम मुर्ग मखनी भी बोलते हैं, तो जब एक ही फ्लेवर में चिकन खाते खाते मन भर जाए तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं। हमने छान लिया और देखिए ये जो मोटे मोटे मसाले हैं इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल करके सारा ग्रेवी निकाल लेती हूँ ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। अब हम पैन को चूल्हे पर रखते हैं, सारे मसाले हमारे पहले से पके हुए हैं, ग्रेवी में हमारा उबाल आ चुका है और इसमें मैंने 200 ml पानी डाला है, जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना रोस्ट किया हुआ चिकन जो 50% पहले से ही कुक है, तो ये बटर चिकन बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढकते हुए चिकन को पका लेते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद फ्लेम को कम कर दीजिए क्योंकि ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है तो इसके छिट्टे पड़ सकते हैं और हमारा चिकन भी पक चुका है। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे 2 चम्मच ताजी क्रीम, आप घर की भी मलाई को फेंट के डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। और बिल्कुल लास्ट में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच बटर, बटर चिकन में लास्ट में बटर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, मिला लेंगे
अब एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने तवा पे रोस्ट कर लिया है, कसूरी मेथी को इस तरीके से हम क्रश करके डालेंगे। देखिए बिल्कुल पाउडर बन रहा है, और रोस्ट करने से कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। मिला लीजिए। और अब हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच चीनी। बटर चिकन में हल्का सा मिठास होता है और टेस्ट भी बैलेंस हो जाता है, इसलिए हम चीनी डालते हैं। आपकी इच्छा ना हो तो बिल्कुल ना डालें। एक बार मिला लीजिए और फ्लेम को बिल्कुल कम रखेंगे ताकि सारा फ्लेवर अच्छे से मिल जाए, और हम ढकते हुए फिर से 2 मिनट के लिए बस पका लेते हैं। 2 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दीजिए, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा मक्खनी ग्रेवी बटर चिकन का सिल्की स्मूथ बनके तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज लगेगा आपको, और आप इस तरीके से आसान बटर चिकन ज़रूर बनाएं। और चिकन बहुत अच्छे से कुक भी हो चुका है। जैसा मैंने कहा कि आप बटर चिकन में चिकन बोनलेस भी ले सकते हैं। ऊपर से हल्का सा धनिया पत्ता डालेंगे और क्रीम से इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे ताकि बिल्कुल लगे कि हम रेस्टोरेंट से घर में मंगा के बटर चिकन खा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जायकेदार दिख रहा है ना। और सेंटर पर हम रखते हैं बटर का क्यूब। चिकन काफ़ी गर्म है इसलिए फटाफट ये मेल्ट हो जाएगा, तो कितना लाजवाब दिख रहा है ना। आप इस तरीके से आसान बटर चिकन की रेसिपी को ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, अपने कीमती सुझाव देना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।